हेलो फ्रेंड्स, मैं शबनम वेलकम करती हूँ आपका हमारी फैमिली फूड्स बेनिफिट्स में। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड ऑफ कोर्स हैप्पी हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं चैनल का इंट्रो दे दूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं हर तरह के फूड से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आती हूँ आपके लिए, एंड उनके फ़ायदे नुकसान, सेवन की मात्रा, सेवन का तरीका क्या होना चाहिए, डाइट में आप किस तरीके से उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किन लोगों को क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ों की डिटेल इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोस के ज़रिए आपको देती हूँ फ्रेंड्स इस चैनल पर। एंड अदर दैन डैट, मैंने अलग तरह के भी वीडियोस बनाए हैं फूड से ही जुड़े, जैसे हेयर पैक्स पर, फेशियल पैक्स पर, डेड रिमूविंग पैक्स पर भी मैंने बनाए हैं। किचन की चीज़ों से आप कैसे अपनी डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। कल ही मैंने DIY होममेड नेचुरल माउथ वॉश पर भी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फ्रेंड्स, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। एंड ऑफ कोर्स बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की टॉपिक पर गाइज। आज की जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइज, यस, बिकॉज वो फूड जो हाई कैलोरी होने के बावजूद भी वेट लॉस करने में मददगार होती है, आज मैं उन्हीं फूड के बारे में बात करूंगी। यस फ्रेंड्स, ऐसे 5 फूड के बारे में बात करूंगी जो हाई कैलोरीड है लेकिन बावजूद इसके ही वो वेट लॉस करने में लाभदायक है। फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे कि लो कैलोरी फूड्स वेट लॉस के लिए कारगर साबित होती है, लेकिन कुछ हाई कैलोरी फूड्स के बारे में मैं आज बताऊँगी जिसे डाइट प्लान में शामिल करना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स अच्छी सेहत के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए देर ना करते हुए आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एंड स्टे विथ अस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे फूड शामिल किए जाते हैं कई बार जो कम कैलोरी वाले तो होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे में कई बार ये होता है कि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं। जब बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं तो वेट लॉस तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ ही शरीर में जो है कमज़ोरी आ जाती है, परेशानी होने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, हमें वीकनेस फील हो जाती है। फ्रेंड्स, हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब मोटापा एक बड़ी दिक्कत हो गई है। वज़न कम करने के लिए कैलोरी काउंट का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, वज़न घटाने के लिए, कैलोरी काउंट कम करने के लिए पोषण देने वाले जो फूड हैं वो डाइट प्लान से बाहर हो जाते हैं। वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे फूड शामिल किए जाते हैं जो कम कैलोरी होने वाले होते हैं, ऐसे में कई बार ये होता है कि शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जब शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो वेट लॉस तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन शरीर कमज़ोर होने के साथ विटामिन और पोषक तत्वों की कमी से परेशान होने लगता है, हमें परेशानी होने लगती है। जब शरीर परेशान होगा तो हमें भी परेशानी होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऐसे 5 फूड के बारे में बताऊंगी आज इस वीडियो में जो हाई कैलोरी होने के बावजूद डाइट में शामिल करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। ओके, इन फूड का सेवन आप भले ही सीमित मात्रा में करें, संतुलित मात्रा में करें, लेकिन ज़रूर करें अपने डाइट प्लान में इसे ऐड। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व और विटामिन मिलते हैं। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, पहली जो चीज़ है वो है डार्क चॉकलेट। फ्रेंड्स, वज़न कम करने या कैलोरी काउंट कम करने के लिए आप अगर डार्क चॉकलेट नहीं खाते हैं तो ये आपकी गलती हो सकती है फ्रेंड्स, यस, क्योंकि डार्क चॉकलेट खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। वज़न कम करने में भी ये आपकी मदद करती है फ्रेंड्स। डार्क चॉकलेट खाने से बॉडी में कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन की कमी नहीं होने पाती है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट के सेवन से शरीर में विटामिन डी की भी मात्रा कम नहीं हो पाती है। डार्क चॉकलेट के सेवन से इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसमें चीनी की मात्रा कम हो फ्रेंड्स। एंड ऑब्वियसली डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ी सी कड़वी होती है टेस्ट में, उसमें चीनी की मात्रा कम होती है नॉर्मल चॉकलेट्स के कंपैरिजन में। ओके फ्रेंड्स, एंड जो नेक्स्ट जो चीज़ है, दूसरी जो चीज़ है वो है केला बनाना। फ्रेंड्स, वज़न कम करने के लिए, कैलोरी कम करने के लिए अगर आप भी केला नहीं खा रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है फ्रेंड्स। शरीर को ज़रूरी पोषण देने के लिए और विटामिन पोषक तत्वों के
लिए केला का सेवन हमेशा करें फ्रेंड्स। एंड इसमें फाइबर होता है जिससे आपको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, यह आपका वेट लॉस भी करेगा फ्रेंड्स। एंड डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी केला लेना फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसकी कम होती है, जिससे शुगर लेवल जो है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल होती है। इसके बाद जो चीज़ है, थर्ड जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है एवोकाडो। कुछ डाइट प्लान में हाई कैलोरी फूड का सेवन बंद कर दिया जाता है फ्रेंड्स, कैलोरी काउंट के वजह से, इसी चक्कर में कैलोरी कम है ज़्यादा है जैसे कि मैंने बताया। सो फ्रेंड्स, लेकिन एवोकाडो ऐसा फल है जो हाई कैलोरी फल होने के बावजूद वजन कम करने में मददगार है फ्रेंड्स, ओके। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है, चौथी जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है खजूर। खजूर का सेवन आप भी जानते हैं फ्रेंड्स, शरीर में खून की कमी और कमजोरी दूर करने के लिए खजूर का सेवन किया जाता है। हाई कैलोरी के कारण खजूर को सुपर फूड के तौर पर भी जाना जाता है फ्रेंड्स। सो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं सुबह, जैसे कि मैं करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने के ही मैं जस्ट एक या दो खजूर डेली लेती हूँ फ्रेंड्स। और आप अगर खजूर के बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि खजूर के और भी क्या बेनिफिट्स होते हैं, यूँ तो ढेरों बेनिफिट्स होते हैं, सुपर फूड इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सो अगर आप जानना चाहते हैं इसके और भी डिटेल्स के बारे में, तो फ्रेंड्स मैंने खजूर पर भी एक अलग से इसकी बेनिफिट्स की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। एंड लास्ट जो चीज़ है, जो पांचवी जो चीज़ है फ्रेंड्स, वो है देसी घी। यस फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि ये तो वेट लॉस के लिए ये कैसे मुमकिन है देसी घी लेना, इससे तो वेट गेन हो सकता है हमारा। पर मैं बता दूं फ्रेंड्स, फैट बर्न करने के लिए डाइट से घी हटाना गलत है। आप अपने डाइट प्लान में घी को डेली यूज करें फ्रेंड्स, कम से कम एक चम्मच ना ही हो तो आधी चम्मच कम से कम घी, देसी घी आप जरूर अपने डाइट में शामिल करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लुक, हमारे शरीर के लिए डेली कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट्स जो है वो ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स। हमें उन चीज़ों से जो है, फैट्स की चीज़ों से, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है फ्रेंड्स अपने डेली जो एक्टिविटीज़ करने में। सो फ्रेंड्स, कम से कम आधी चम्मच देसी घी आप रोज लें, इससे आपका फैट बर्न होगा। ये इसके डेली देसी घी का रोजाना सेवन करना फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। एंड देसी घी बॉडी के जो पाचन तंत्र होते हैं ना, जो डाइजेशन सिस्टम होती है, उसको इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आंतों को भी साफ रखने में मददगार है फ्रेंड्स, ओके। एंड मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने कोलोन क्लिनजिंग फूड्स पर भी एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, मीन्स इंटेस्टाइन क्लीनिंग फूड्स पर भी एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। जैसे हमारे स्किन को क्लीन रखना जरूरी है, लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करना, साफ रखना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे आंतों को भी हमें साफ रखना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऑर्गन्स हमारे लिए काम करते हैं, हमारे हेल्थ के लिए काम करते हैं। सो रिगार्डिंग गुड हेल्थ, हमें भी आंतों की सफाई करनी चाहिए। उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताए हैं जिनको लेने से आपके आंतों की सफाई हो जाएगी एंड आप गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। सो उसकी भी वो भी जो वीडियो है वो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी एंड प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको पता ही है, एज ऑलवेज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, ओके फ्रेंड्स। सो ये थे पांच ऐसे फूड जो हाई कैलोरी होने के बावजूद भी इससे आपका वेट लॉस हो सकता है, बशर्ते आपको इसे संतुलित मात्रा में लेना है, ओके, प्रॉपर अमाउंट में लेना है, नियमित मात्रा में लेना है फ्रेंड्स। सो इससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी और आपके शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे। सो ये थी आज की वीडियो गाइज आपके लिए, डू कमेंट कैसी लगी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। एंड थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी एज ऑलवेज फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।